ଆଉ ଏମିତି ଲାଇଫ୍ ରିସ୍କରେ ଆମେ ରହିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ନା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲୁ ତ ଆସିକି କ୍ୟାମ୍ପିଙ୍ଗ କରୁଛୁ। ଏ କ୍ୟାମ୍ପିଙ୍ଗ ନହିଁ କର ସକତେ ଅଭି ହମ ଲୋ ଡିସାଇଡ କର ରହେ କି କ୍ୟା କର ରହେ କ୍ୟା ନହିଁ କର ରହେ। ମୁଁ ତ କାଫି କରିବ ସେ ଯା ରହା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟିଲେ ଦେଖି ଓ ଇଜ୍ ଦ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ। ହଠାତ୍ ହଠାତ୍ କିନା ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିର ଜନ୍ତୁ ଜନ୍ତା ରାଉଣ୍ଡିଂ ମାରିବେ, ଆପଣ ଚମକି ପଡ଼ା ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇକି ଡି ହୋଇଯିବେ। କ୍ୟାମ୍ପ ନିକାଲ ରହେ କ୍ୟାମ୍ପିଙ୍ଗ କରନେ କେ ଲିଏ गवर्नमेंट एम्प्लॉय मैंने पेट्रोल टीम विल कम टू द इंग्लिश एरिया विल गिव टू द फाइन 5000 10000 सीरियस मैटर दैट्स वी आर टेलिंग यू वी आर इंफॉर्मिंग टू यू दैट आफ्टर 5 PM देयर इज नो अलाउड टू द मंदिर गिरी। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट मैटर बिकॉज दिस इज द रिलीजियस स्पॉट ब्रदर, दिस इज नॉट अ पिकनिक स्पॉट, रिलीजियस स्पॉट मीन्स 5 PM आफ्टर दैट देयर इज नो वर्शिप एट द टेम्पल। Why we are going to the, why we will go to the Mandiri? That is our camping where allowed you. Huh? No, no. Anybody, no person should be allowed at the Mandiri after 5 p.m. That is the rule and regulation of the government of India and the Forest Department. Bujhle ki. Amre kono bole? Apno Hindu? Apnonko jeitu dharmi mandir ta hochi dharmik mandir ta sete bole lago na apnar bole sondhar gol ma ta apn kon dekhi bar kichhi nai no bhelu apn sokade 5 tar jan chata pore sidha emi to jiar pratham kotha dutiya kotha hochi apnonkor mandir re konosi byabostha tin rahiba pa apnonkor konosi aghatan ghatile dai ki oi da responsible na alao nai to sete टोटल आपन हम कहबा चलो आगे जाई किसी लाभ नहीं सखळे जु हां सखड़ आपन छटा पर जान दो। ठीक है। तो गाइस हमको तो देखना था ही इवनिंग व्यू कि शाम को कैसा लगता है, तो हम लोग जैसे तैसे करके एंट्री करने का सोचे लेकिन इन्होंने रोका। फिर हम लोग ने ये कहा उनको, भाई रूल को फॉलो करो, हमको रूल सिखा रहे हो। रूल में ये लिखा है कि सुबह 5 से शाम के 5 तक एंट्री है, तो अभी 5 नहीं बज रहा है, अभी 4:30 हो रहा है, तो हमको एंट्री करने दो। फिर उन्होंने कहा अगर ठीक है जाओ फिर, तो हम लोग ने बोला कि हम लोग 1 आवर 2 आवर घूम के, मतलब थोड़ा समय घूम के वापस आ जाएंगे। ठीक है, अभी हम जा रहे हैं, समय हो रहा है अभी 4:35 और हम लोग थोड़ा रास्ता भटक गए थे, एक जगह पर हम लोग का नेटवर्क नहीं आया, तो घूम घूम कर कठिन रास्ता से आए, जो कि आप लोगों ने देखा ऑफ रोडिंग, जो कि काफ़ी हमारे साथ बुरा हुआ, उतना भी बुरा नहीं हुआ लेकिन चलेगा। अब हम लोग एक्चुअली इस रास्ते से ईजी होता, कोई बात नहीं, अब हम लोग एंट्री करने जा रहे हैं। ठीक है, तो गैस यहाँ पर तो हम लोग ये कह के जा रहे हैं कि 1 घंटे में वापस आ जाएंगे, लेकिन हम लोग ने ऊपर जाकर सोचे थे कैंपिंग करने के लिए, लेकिन ऊपर जाने के बाद हमको क्या क्या देखने के लिए, सुनने के लिए और क्या क्या अलग अलग एक्सपीरियंस हुआ, ये आपको जान के काफ़ी मज़ा आएगा और आश्चर्य भी होगा। तो बने रहिए ब्लॉग के साथ, अभी मतलब ये लाइट कुछ नहीं है ना, अंधेरा हो जाएगा थोड़ी देर में। देखो हालांकि एंट्री टाइम है जो 5 AM से 5 PM तक है, सुबह 5 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। अरे बादल बादल दिख रहे हैं, कितने करीब है यहाँ बादल। फाइनली 300 किलोमीटर कवर कर चुके हैं हम लोग, घर से यहाँ तक 300 किलोमीटर। प्रॉब्लम ये है कि कैंपिंग अब नहीं कर सकते। हाँ जी हाँ, महेंद्रगिरी में कैंपिंग इज नॉट अलाउड। हम लोग कैंपिंग लेके आए हैं, एक और ग्रुप मिल गया, वो भी कैंपिंग लेके आए हैं। देखो हम बादलों के बीच में से जा रहे हैं, यहाँ पर पूरा बादल ही बादल, फॉग ही फॉग। अब फॉग बोले या बादल बोला, भाई जो बोलना है बोलो। और तो कहने का मतलब ये कैंपिंग नहीं कर सकते, अभी हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अरे यहाँ से तो रास्ता दिख नहीं रहा है। अरे भाई कुआड़े किसी तो तू सुनी, व्यू यार क्या नजारा है, मतलब ओहो भाई खड़े हो गए। आई कैंट एक्सप्लेन, मतलब क्या ही बताऊं, मतलब मैं मतलब आसमान के बीच में से हम राइड कर रहे हैं, मतलब नीचे कुछ नहीं दिख रहा, नीचे पूरा का पूरा मतलब अब देन एड्रा एड्रा एड्रा
सो फाइनली गाइस पहुंच गए हैं महेंद्रगिरी। तो ये रहा और अभी बज रहे हैं 5:10। काफ़ी मज़ेदार व्यू यहाँ का, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए मतलब वहाँ से जो बाइक का रास्ता था वो और भी औसम था, जैसे कि आप तुमने वीडियो में देखा ही। और मेरा आवाज़ कैसे गला बैठने की जैसा फील हो रहा है, और भी लोग अभी भी आ रहे हैं। तो भगवान परशुराम जी का वहाँ पर स्टैचू लगा हुआ है, जाएंगे ऊपर भी जाएंगे। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ। अरे मेरा आवाज़ क्यों गया हो गया यार मेरे को, मतलब मुझे को अजीब सुनाई दे रहा है, मतलब या फिर मेरा कान बंद हो गया या फिर गला बैठ गया था ना, मुझसे कुछ एक हुआ। तो एक्साइटमेंट काफ़ी है, मतलब यहाँ पर ऐसा कुछ व्यू, मतलब ऐसा अपना डिफरेंट व्यू मैंने पहली बार नहीं देखा उड़ीसा में, जो कि यहाँ पर देख रहा हूँ। महेंद्रगिरी सेकेंड हाइएस्ट पीक ऑफ उड़ीसा। ओ माय गॉड, व्यू देख रहे हो, मतलब पहाड़ के बाजू से मतलब बादल गुजर रहे हैं वो देखो, मतलब काफ़ी मज़ा आ रहा है देखने में। वाह, मैं जा रहा हूँ उसको चेस करने के लिए। तो वो रहा वहाँ बादल, वो गुजर रहा है उसके पीछे से। ओके गाइस, तो वो देखिए ये रहा वो व्यू। वाह, क्या फील हो रहा है, डिफरेंट, इट्स टोटली डिफरेंट थिंग गाइस। मतलब हमारे करीब से जा रहा हो, एक्शन कैमरा थोड़ा दूर दिख रहा होगा, मतलब काफ़ी करीब से जा रहा है। ओके गाइस, यहाँ पर हम लोग आए हैं भगवान परशुराम का, यहाँ पर मूर्ति रखा गया देखने के लिए। और ये रहा, चलते हैं ऊपर। गाइस फॉग ज़्यादा बढ़ गया, आसपास का माहौल देख सकते हो कैसे हो गया। और हम लोग जा रहे हैं पानी की खोज में, पानी ढूंढना है, वाटर सर्च करना है। वाटर मिलेगा मतलब पानी मिलेगा तभी हम रात को यहाँ रुकेंगे, कैंपिंग करेंगे या फिर नीचे जाएंगे, ठीक है, जैसे कि रूल के मुताबिक। पानी मिल गया, जी हाँ गाइस, हमको पानी की तलाश थी और वो रहा वाटर। दो 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 टोटल, अरे 8 टोटल 8 यहाँ पर ट्यूबवेल्स है। तो गाइस यहाँ पर कुछ भले लोग मिलके जो कि फिस्ट कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, हमको भी इनवाइट किया कि तुम भी बैठ के खा लो, हम लोगों के पास ज़्यादा फूड अवेलेबल है। तो हम लोग भी बैठ के यहाँ पर अपना रात का खाना यहीं खा लिए। वैसे तो हम लोग कुछ खाने का बंदोबस्त नहीं किए थे पहले रात के लिए, बस मेरे बैग में ब्रेड और जाम पड़ा था। इसके बाद यहाँ सिक्योरिटी गार्ड आ गया, फिर उन्होंने क्या क्या कहा अब आप लोग सुनिए। ठीक ना, आम देख लो यूट्यूब रे वीडियो देखथल तो आसी के कैंपिंग कर थल आगुरु थिला ना, आगुरु थिला आपण वर्ष एटा आपण 2021 डिसेंबर को डिसेंबर क्लोज हे गेला, पूरा वर्षे लारो माने नियम लागू हेबार। अच्छा, डिसेंबर 1 करू लागू हे गेला, माने आ कैंपिंग ऊपर करियो बन, कैंपिंग ऊपर होबन हम भविष्य कहीं हेनी, कि तार गोटे रूल रेगुलेसन नहीं कि गोटे गाइडलाइन बाहर करके रखा हम पर्टिकुलर गोटे गोटे जगार सब करेंगे रही पारे गोटे गोटे थी रेस्टोरेंट थी कॉटेज थी सब प्रकार व्यवस्था हेपर जा रखिपर पूरा निर्जन जंगल आपट जाए जापारे पूरा कहीं मुझे आसे जाएगीसरा हटात हटात कि अलौकिक शक्ति जंतु जंता राउंडिंग मारे आप चमक पड़ा हार्ट आटाक डीओ नाइट रे बहुत दी तीन टा बहुत माने हार्ट अटैक रेस्क्यू रे नहीं जो। अच्छा, माने पर भूत भूत देख ले हां सब 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 रहिबाटा पूरा माने रिस्क तो पूरा हो रात के कोन हबे सेरा जानिया बने थी आमे से नीत बने पिला अचन ऊपर कोन ना कोन गोटे हि जो बोली आमे दिन दिन 4 आसीबो तो अइका माने दिन आसी परबो तो 4 बजे ଆପଣ କିଛି ଏମିତି ତାବିଜ ଫାବିଜ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ନା କଣ, ତାବିଜ କିଛି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଯେମିତି ଭୂତ ଭୂତ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ?
तो आमे कोन एडी तो जन्म हिचो आमे राती दिन माने आम आपन चिन्ह दिछे ना भूत भूत सहित आ मिसी रहउछु बोली एडी जन्म हिचो अच्छा आमो ए बस्ती एडी ताले आमे आमगे एडी जन्म आबर थला ताले जे एटर कोन कोडी भी डाणी रहबो सेटा आमो को भलो रे जाना आपन जानि पारि से भूत डाणी संग आमे कथा हि रहबा लोग भूत डाणी आपन दर सिखि कासल नि एगडा जिंस केमती कोन कथा हरत मानती भूत ड एइट रही छांतु तमे जानला आपण थिबे सिंगर सी आसी आपण टाक देला बोल लागियो कोनो मेसेज नबो कि जे भी जाइसिन करि जें त किछ न किछ अपडेट होइ छी अब तो ऑटोमेटिक किछ ओड होबो सेरा तारो तारो सेप्रपुर सटरडे हम तो हनन के बाबू हम खाइबोनी सटरडे ओ कोनो से जो सब लोग गुरुवार आनंती सोमवार आनंती शनिवार आनंती सब से जिंस न किंतु आमे एडी कोनो वेज रांदीबा आउ किछ लोग नॉन वेज वाला आसी माचे सतला ये जिनसटा बहुत प्रॉब्लम होचे ग्राउंड आमर किछि नथिबो आमे ये गोटे जंगल भीतर रही जबा माने जीव जंतु भी पळै छै ना निश्चय कोन अछिना भीतर छौ भालु अछंदी रे बापा बुझले कि भालु एबे कोन से सियाडी मंजी नै कि को मंजी सियाडी सियाडी मंजी बोली कहबे से एबे बण रे अछि से एबे खाइबा सीजनटा पूरा खाइ 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 आसीबो से बुझले थाना नन कने पैसा देखि रे फ्री देखते दे देखियो ए रिस्क अछि आ रिक्स बोलो। सो गाइस हम दोनों ने डिसाइड कर लिया है कि अब नीचे जाना है क्योंकि वो रहे खड़े हैं जो अपने क्या कहते हैं सिक्योरिटी गार्ड, उन्होंने सारा स्टोरी बताया। रह नहीं सकते यहाँ पर, निकलना पड़ेगा। सो लेट्स गो। स्टैंड स्टैंड दे दिया। हाँ भाई आज चो बाय बाय। निकल पड़े, अंधेरा ही अंधेरा है यहाँ, अब क्या होगा क्या पता। काफ़ी कुछ उन्होंने बताया जैसे कि आप लोगों ने सुना द पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ आई मीन भूत प्रेत और नॉनवेज जो खा रहा है उनके लिए अलग से सजा उनको मिलेगी जो कि ख़तरनाक है एसेट्रा एसेट्रा। ऑलरेडी काफ़ी कांड हो चुके हैं बिसाइड पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के अलावा, और भी कांड हुए हैं जैसे कि बंदे बंदो अपने अपने आप में लड़ रहे हैं, सर फोड़ फाड़ रहे हैं, दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज़। ओके सो इतना कुछ सुनाने के बाद उन्होंने यही कहा कि जाओ, तो हम भी जा रहे नीचे। और क्या, जहाँ पर फोटोग्राफी किए थे वहीं पर ये लोग भी हैं, ये भी जा रहे हैं लग रहा है घर, कैंपिंग नहीं लगाएंगे शायद। अब भाई इसे कौन कहती छाड़ू ना रखू ना बा मना कर तलुक जाओ कौन सी आसबे बाटे कुआ कहे खोजिके बाहर को आमको कहले भल सी आसूब से कह बुली बुली समस्त को देखी तलू को सब जीवे कहूँ सब आमको डर सारे कहूँ भूत भूत आसवे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हुए कौन कांड फांड है भाई तुम नंबर टा दे था पूर्व होता एवं हूँ कौन कर तलूक ना ठीक कथा से भी ठीक कथा भाई मानते एक्चुअली किसी भी हो पार किए जानी ये गुड़ा जिन सत कि मीछ भाई कह से कहले भूत भूता कथा कहले ना कि से सिक्यूरीटी ठिड़ा है से आमको पूरा जगिक बसला छाड़ला जमा कहला कि भाई तुम्हें मतलब ढड़ा है एत कथा शुणिला पर कहला कि जाओ जाओ जाऊ शुणिले कौन डर कौन सी भल कहला एत कथ कहला जी आनी अच्छी पा अच्छी आठटा ट्यूबवेल अच्छी हेल्ले सी ढड़ा अच्छी अगर आसब बुलब कड़े सब मंदिर मुझे भाई तुमको तो भूत धरवन तेल ना आम जन्म हो भूत प्रेट आम उठा बस एम कथ कौन तेल आम भी जन्म ही था भल ही रही हाँ हेल्ले जहाँ भी हेल्ले गोटे आड़ ठीक लगुचे गोटे आड़ भूल अच्छे कौन कर आलाउ ना तो ना रूल इज रूल आँ चल तल को से कहला भाई चार्टार तुम आसपार चार्टार मैच जी कौन आमको अरे भाई आमको भ्यू दरकार सनरइज रहा आम साढ़े चार्टा पांचटार पल आस तुमको झाड़ा लगे तले आलाव अच्छी से कहे तले जहाँ खर्च कर सी तो कहे आम से जो घर अच्छी ना कौन से रही जाऊन इधर अभी भी बाइक नीचे लाए और टेंट के लिए जगह ढूंढ रहे और रही बात घर वाले की तो घर को इन्फॉर्म करना है कि आज रात को नहीं आना, रात भर बाहर रहना टेंट में, इसलिए घर में बता दूँ उसे बता कहाँ हूँ पापा फिर पता नहीं क्यों फ़ोन करें बार बार। तो गाइस यहाँ पर हम कैंप निकाल रहे हैं कैंपिंग करने के लिए, तो ये रहा
तो गाइज अब हम लोग कैंप को लगा रहे हैं, तो आप लोग सोच रहे होंगे हम कहाँ लगा रहे हैं, ऊपर लगा रहे हैं या नीचे गेट के पास लगा रहे हैं। पूरा का पूरा डिटेल मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ लगा रहे हैं। मैं गूगल मैप्स में लिंक भी दे दूंगा, फ़ोटो भी दिखा दूंगा, पूरा सारा डिटेल्स दे दूंगा ताकि आप लोग को कैंपिंग करने में दिक्कत ना हो। तो नेक्स्ट ब्लॉग में सारे डिटेल्स मैं बता दूंगा, सुबह सुबह दिन में दिखा दूंगा कि कहाँ हम लोग एग्जैक्टली कैंप लगाए थे। अभी फिलहाल ब्लॉग को एंजॉय कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। तो बाय गाइस एंड गुड नाइट। एनर्जी भी खत्म हो रहा है ना बॉन फायर पे ये बड़ा गच्छाटा अच्छी ताको जली देवा पूरा होल एरिया पे हे जीव बॉन फायर सब नाचबे एंति पूरा। तो गाइस यहां पर देख रहे हैं मेहनत जारी है। ये ऐसा मेहनत है कि अभी आपको नजर नहीं आएगा लेकिन एक ही बार कुछ ही सेकंड में पूरा का पूरा खड़ा हो जाएगा टेंट। बस अभी सेटिंग चल रहा है, सेटिंग हो जाने के बाद ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बस उसको खड़ा करना होगा। तो गाइस टेंट के नीचे मैंने एक प्लास्टिक बिछा दिया जो कि मैं घर से लाया था, और घर से काफ़ी सारी मैं चीज़ें बाइक के पीछे बांध के लाया हूँ जो कि मैं अभी आपको दिखाऊँगा। तो यहाँ पर ये द लास्ट वन ठोका जा रहा है, और ये है सामान देख सकते हैं, यही सब कंबल वम्बल सब लेके आया हूँ घर से आज रात से, इसीलिए इसी के साथ भरोसे ठंड को गुजारना है। देखते हैं, मुझे नहीं लगता ज़्यादा ठंड लगेगा क्योंकि हम लोग पहन ओढ़ के इतने आए हैं ना जैकेट वगैरह कि ठंड लगे है नहीं, फिर भी हो गया। ओके गाइस तो समय हो रहा है 8 बज रहा है और हम लोग ने कैंपिंग वैम्पिंग सेट करके यहाँ पर अब लेटे हुए हैं। ये देखो यहाँ पर सबसे पहले से लेटा हुआ। तो ये रहा हमारा छोटा सा घर, आज रात इधर ही गुजारना है, कंबल वम्बल लेके बैठे हैं, मतलब कोई ज़रूरत नहीं कंबल का, मुझे अभी गर्मी लग रही है जैकेट खोलूँगा अभी, ठंड उतना नहीं है जितना हम सोचते, मे भी रात को थोड़ा बहुत बढ़ सकेगी, देखेंगे क्या होगा। उठे सत्य भाई और बताइए कुछ एक्सपीरियंस, पहला एक्सपीरियंस मेरा तो पहली बार है भाई। मैं 2-3 बार ऑलरेडी कर चुका हूँ लेकिन भाई का ये पहला एक्सपीरियंस, मेरा ये पहली बार है। कैसा लग रहा है? काफी अच्छा लग रहा है, बस रात अच्छे थोड़ा छोटा हो गया है लेकिन चलेगा। मेरा हाइट तो बहुत छोटा है लेकिन भाई का हाइट थोड़ा ज्यादा है ना, तो इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है भाई को, लेकिन कोई बात नहीं। नहीं उतना भी दिक्कत नहीं हो रहा, परफेक्ट है, बस आज रात ही गुजारना है और कुछ नहीं। तो ये रहा हम लोग का टेंट, और सुबह सुबह प्लान है कि महेंद्रगिरी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में सुबह सुबह का व्यू पूरा नज़र आएगा। शाम को तो आप लोग थोड़ा देख ही लिए, सुबह सुबह का नेक्स्ट मॉर्निंग में आपको देखने को मिलेगा, और देखते हैं कब उठते हैं और कब जाके वहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं। और भाई ने प्लान किया है सुबह 4 बजे उठने के लिए, लेकिन मेरे 4 से 4:30 बजे तो मैं कभी भी नहीं उठ पाऊँगा। मतलब अंधेरा होने से पहले, जो सॉरी उजाला होने से पहले ऊपर जाकर एक्सप्लोर करना है, ब्लॉग बनाना है, देखते हैं क्या होता है। ओके बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, फिर मिलेंगे कल सुबह एक नया एपिसोड। बाय बाय। और हाँ गाइस मैंने तो बताना ही भूल गया कि हम लोग गए थे 31 दिसंबर को, तो न्यू ईयर का शुरुआत कुछ ऐसा हुआ, मैं टेंट में सोया था, सब चिल्लाने लगे हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर, मेरी नींद टूट गई, उसके बाद काफ़ी मुश्किल से मेरी नींद आई। तो कुछ ऐसा शुरुआत हुआ था न्यू ईयर का, मैंने थोड़ी देर के लिए बाहर निकल के देखा, अभी सब चिल्ला रहे थे, बॉन फायर करके नाच रहे थे, मैं फिर सो गया।